श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सिरसा में उत्साह देखा जा रहा है। पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विधायक गोपाल कांडक की अध्यक्षता में यात्रा निकाली जा रही है। 31 फुट ऊंची भगवान राम की भव्य प्रतिमा को श्री तारकेश्वर धाम में स्थापित किया जाएगा और 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा पूरे शहर से निकाली जा रही है, जिससे अनेकों प्रकार की झांकियां लोगों का दिल जीत रही हैं। तो वहीं विधायक गोपाल कांडा ने 51,000 विशेष डिब्बों का घर घर वितरण कराया, जिसमें 5 दीपक, बत्तियां, मैट्रेस और तेल की बोतल भी शामिल है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं सिरसा की, जहां जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। 31 फुट ऊंची ये प्रतिमा बनाई गई है और श्री तारकेश्वर धाम में आज प्रतिमा का अनावरण होना है। इससे पहले 7 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा आज पूरे सिरसा में निकाली गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां लोगों में उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये सिरसा की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में विधायक गोपाल कांडा मौजूद हैं और साथ ही तमाम दिग्गज भी आज के इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा की। तो प्रभु श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा को आज स्थापित किया जाना है, अनावरण किया जाना है और ऐसे में सिरसा की जनता का ये उत्साह साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज के इस खास मौके पर जहां विधायक गोपाल कांडा द्वारा 51,000 विशेष डिब्बों को घर घर वितरण किया गया, जिसमें 5 दीपक, बत्तियां, मैचेस, तेल की बोतल शामिल है। तो एक तरफ जहां पूरे देश में आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं सिरसा में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई और जिसके बाद अब प्रभु श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होना है। सिरसा की तस्वीरें, जहां लोगों का उत्साह साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है और वो पल, वो घड़ी जिसका हर किसी को इंतजार था और आज लोग अपनी खुशी जाहिर करते हुए, तो सिरसा में भी आज प्रभु श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाना है, प्रतिमा का अनावरण होना है। आपको बता दें कि श्री तारकेश्वर मंदिर में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और ये तस्वीरें शोभा यात्रा की आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और इस दौरान लोग राम में और राम धुन में उत्सव मनाते नजर आए। और सिरसा की ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, भगवान राम की प्रतिमा की आज स्थापना होनी है। 31 फुट ऊंची ये प्रतिमा बनाई गई है और श्री तारकेश्वर धाम में प्रतिमा का अनावरण होगा। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों में आज इस पल को लेकर के खास उत्साह, प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर खास उत्साह। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा देश आज दीपोत्सव मना रहा है, तो सिरसा में भी कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली, जहां 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। विधायक गोपाल कांडा इस दौरान मौजूद रहे और खास तौर पर आपको बता दें कि 51,000 विशेष डिब्बों का घर घर वितरण कराया गया, जिसमें 5 दीपक, बत्तियां, माचिस, तेल की बोतल भी इसमें शामिल है। और ऐसे में लोगों को घर घर इन डिब्बों का वितरण किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा की, जहां से कुछ ही देर में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण होगा। और उससे पहले की ये झलक, जहां लोगों में आज के इस खास पल को लेकर एक उत्साह और लोग राम धुन में उत्सव मनाते, झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं। तो सिरसा में
आज 7 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और श्री तारकेश्वर धाम में प्रभु श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा को आज स्थापित किया जाना है, प्रतिमा का अनावरण होना है। लेकिन लगातार ये झलकियां आपको दिखा रहे हैं सिरसा की, जहां लोग उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो सिरसा में भी खास तरीके से आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, गर्भगृह में वो विराजमान हुए, तो सिरसा में भी आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिसके बाद प्रभु श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।